नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। और दोस्तों आज अभी फिलहाल मैं हूँ, पीछे आप देख सकते हैं पूरा बद्रीनाथ धाम है। यहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर है जिसका वीडियो हमारे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, जाकर के देख लेना। इसके बाद और केदारनाथ का भी अपलोडेड है ना, उसको भी देख सकते हो दोनों। लेकिन इसके बाद इस वीडियो में क्या दिखा रहा हूँ मैं, इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ भगवान विष्णु के जन्म पादुका, जिसका रास्ता ऐसे है। बड़वन यार शॉर्टकट मार रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता। चलिए आपको दिखाते हैं मंदिर की, मंदिर के अंदर चरण पादुका कैसा है, कैसा मंदिर है। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों परिवारों के साथ वीडियो को शेयर भी करो। यार चलते हैं, ये शॉर्टकट वाला लफड़ा ना, अपन केदारनाथ से सीख के आए हैं। अभी कैसे चढ़े हम यहाँ से, आधा किलोमीटर से ज़्यादा तो ये छोटे से शॉर्टकट से कवर हो गया। और खड़ी चढ़ाई भाई, बिल्कुल बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। व्यू देखो यार तुम, वो झरना, ये पहाड़। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो आप मेरे को, इंस्टाग्राम का जो मेरा यूज़र आईडी है आ रहा है, उसे मैं आपको पहले अपडेट कर देता हूँ, जाओ जाके फॉलो करो। भाई साहब विष्णु जी के चरण पादुका तो अभी और ऊपर है, बताएं। यहाँ से जो लोग वापस आ रहे थे, ये जो है ये विष्णु जी हनुमान गुफा बोलते हैं इसको, अभी वो मेरे को लोग बताए जो लोग, बाकी मैं दिखाता हूँ अंदर से आपको हनुमान गुफा। बद्री केदार भाई, ये गुफा है शायद अंदर पे होगा, अभी जूते उते पहने ना भाई। और शाम हो रहा है, जय बजरंग बली, जय श्री राम, शाम का सिस्टम हो रहा है इसलिए जा नहीं रहा यार अपन, मतलब डायरेक्ट ऊपर जा रहे हैं। यहाँ बाहर से देख लिए, दिखा दिए, यहाँ हनुमान जी ने तप किया होगा, मतलब मेरे को पता नहीं यार, ये चीज़ मेरे को नहीं पता, मतलब हनुमान गुफा से मतलब रिलेट वही लग रहा मेरे को। ऊपर चलते हैं, दिखाते हैं विष्णु जी के चरण पादुका। देखो यार अपन कितना ऊपर आ गए हैं, अभी 500 मीटर अभी और बचा है, और ये नीचे पूरा बद्रीनाथ। वो पूरा वो वहाँ पे बद्रीनाथ मंदिर है वो वहाँ पर, और ये पूरा शहर है। लगभग तो सारे होटल ही रहते हैं, बाकी घर वर भी हैं यहाँ पे, जैसे छोटे मोटे झोपड़ी वगैरह। शॉर्टकट चल ले भाई, शॉर्टकट मार लेते हैं। जय हो शंकरा, आदि देव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। अभी 500 मीटर और बचा है, यहाँ पे लिखा देखो 500 मीटर चरण पादुका, और ये गुप्त गंगा गुफा भाई, ये देखो गुफा है अंदर, यहाँ पर गुफा और होगा भाई अंदर में, मतलब बड़ा गुफा होगा अंदर पे, ये सब चट्टान के नीचे में होगा। कहाँ है, अरे अभी और ऊपर जाना है, अपन तो इसी को समझ रहे थे, इसके पहले जो हनुमान गुफा था उसको समझ रहे थे नीचे से, फिर उसको समझ रहे थे, अब और आगे है। और ये देखो यार लोग ऐसा बनाते हैं सब, मतलब खुद की पहचान, मतलब अपन आए थे ऐसा टाइप का पत्थर से पिरामिड टाइप का। और ये देखो यार ये कितना सही व्यू आ रहा, और फाइनली चरण पादुका मंदिर ये है, आपको अंदर से दर्शन कराते हैं यार। इतने ऊपर हवन कुंड है ये देखो, और हो भी रहा है हवन, अंदर लोग हवन कर रहे हैं इसके, सही सिस्टम है यार।
नीलकंठ 7 किलोमीटर। अच्छा, नीलकंठ पर्वत में बर्फ है। नीलकंठ होली माउंटेन 7 किलोमीटर। वही बर्फ वाला वही है नीलकंठ यार। 7 किलोमीटर कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, और ये ट्रैकिंग करना पड़ेगा बिल्कुल। ऐसा रूट थोड़ी माने रहेगा, ये रूट तो भाई वहाँ पे ख़त्म है, उसके आगे ये वाटर क्रॉसिंग पार करना पड़ेगा। ये ऐसे तगड़े तगड़े वाले झरने उसे गए हैं, उसको पार करना पड़ेगा। और आपको खैर चरण पादुका दर्शन कराते हैं यार, मैं ज़्यादा वो कर रहा हूँ, किसी का बिगाड़ दूँ? लो छोड़ यार, नहीं बिगाड़ते। जूता चप्पल यहाँ उतारें कृपया, शू स्टैंड इन्हें यहीं रख दो भाई। और ये देखो पानी आ रहा है, नीलकंठ पर्वत से ही आ रहा है ये पानी। फिर दर्शन कराते हैं आपको। देखो चरण पादुका होली फुट, नारायण होली फुट, कृपया पॉलिथीन का प्रयोग ना करें और आगे आप लोग बढ़ सकते हो। चलते हैं भाई अंदर, अपन जूता वूता वहीं उतार दिए हैं। डोनेशन बॉक्स, यहाँ पर बद्रीनाथ जी का चरण गुफा का अखंड ज्योत है। चलते हैं अंदर। भाई साहब को पूछने जा रहा उन लोगों से जो हवन कर रहे हैं अंदर में, क्योंकि यार ये बंद है। ऐसे में हम आपको कैसे दर्शन करा पाएंगे मैन? तो दर्शन कराना ज़रूरी है ना, और करना भी ज़रूरी है, तो इसलिए भाई पूछने जा रहा। काटा है, काटा लगा। भाई ये रहा अपन, ये गुफा उफा में चले गए थे अपन, इधर चरण पादुका ये है, अपने को समझ में नहीं आया था तो अपन आगे निकल, मतलब यहाँ पे आ गए थे कि ये अब मेरे को लगा भाई, अपने को लगा कि गुफा अंदर होगा, लेकिन ये है भाई भगवान विष्णु के चरण पादुका यहाँ पर। ला भी लगा दे, 150 रुपया देगा। ये देख लो भाई साहब, भगवान विष्णु के चरण पादुका, जय भगवान। ये साक्षात बद्री विशाल की जय। ये साक्षात भगवान के भाई, साक्षात भगवान विष्णु के चरण पादुका बद्रीनाथ धाम पे, ये देख सकते हो आप लोग, विष्णु भगवान के साक्षात चरण पादुका है ये। विश्वास नहीं होता, ये देख लो चरण पादुका नारायण होली फुट। हाँ इधर से चलते हैं भाई, लक्ष्मी जी का भी आपको दिखा देते हैं चरण पादुका कहाँ है। ये निशान एरो ऊपर जाने का बन रहा है, किधर हो रहा भाई? ये होगा ना इधर। अच्छा ये 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 बोलिए लक्ष्मी माता की जय। भाई ये लक्ष्मी जी के साक्षात चरण पादुका बद्रीनाथ धाम में से 2 से 3 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ेगा आपको। ट्रैक तो नहीं, बराबर रोड है भाई प्रॉपर। ये देखो फिर आपको लक्ष्मी माता के और विष्णु जी के चरण पादुका देखने मिलेंगे आपको। यार इस वीडियो पे बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुद से मतलब गुजारिश करेंगे कि यार आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और मेरे चैनल में बद्रीनाथ, केदारनाथ और भी बहुत सारी, पूरी उत्तराखंड लगभग पूरी तो नहीं यार, बहुत सारे जगह उत्तराखंड में घूमने लायक, लेकिन काफ़ी सारे जगह हैं बद्रीनाथ केदारनाथ जैसे, हरिद्वार ऋषिकेश जैसे। मेरे चैनल में काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं, जाओ जा करके देखो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी और भी वीडियोज़ आएगी उत्तराखंड की, है ना, मैं अभी उत्तराखंड में ही हूँ। देखो यार इन वादियों में टकरा चुके हैं हमारा सिस्टम है। खैर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें और दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें यार। साक्षात लक्ष्मी माता के चरण पादुका और उधर विष्णु जी के चरण पादुका। चलिए उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब लाइक कर दिए होगे, और
कर दो यार बस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, इसलिए सब्सक्राइब कर दो। ओ मत जा मत कुदा भाई, मत कुद, ए मत कुद।